अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे आलू की भुजिया। उसके लिए मैंने लिए हुए दो आलू छोटी साइज़ के। इसको मैंने बॉईल कर लिए और राउंड शेप में कट कर लिए इतने मोटे मोटे। इसी तरह से अंडों को भी बॉईल करके, दो अंडे हैं ये, इसको भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। टमाटर एक बिग साइज़ का, इसको मैंने छिलके निकाल के कट कर लिया है। मीडियम साइज़ का प्याज, इसको सब्जी वाला कट किया है। दो हरी प्याज, इसमें आगे का हिस्सा जो प्याज होता है उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और पीछे के हिस्से ग्रीन्स में लंबे लंबे स्लाइस किए हुए मैंने इसको। ये है एक टेबलस्पून जितना हरा धनिया। दो तीखी वाली हरी मिर्चें, इसको मैंने कट कर लिया है, और एक कड़ाई वाली हरी मिर्चों को भी कट किया हुआ है। बघार के लिए चाहिए हमें 5 से 10 साबुत वाली काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून जितनी ज़ीरा। मसालों में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर रोस्टेड, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून जितना रेड क्रश चिली, 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून आप ले लें, या आपको जितना तीखा चाहिए उतना ब्लैक क्रश पेपर। मैंने ऑयल गरम कर लिया, आपको जितना ऑयल चाहिए उतना ऑयल ले। उसमें मैंने 1 टीस्पून जितना देसी घी या खालिस घी डाला हुआ है। ये गरम हो गया, इसमें मैं डालूंगी हमारा बघार। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये हमारी हरी प्याज के आगे का हिस्सा। और प्याज 30 सेकंड तक हिलाने के बाद ये हल्का सा सॉफ्ट होगा। मैं डाल दूंगी इसमें दोनों हरी मिर्चें और टमाटर। टमाटर डाल के हम फ्लेम स्लो कर देंगे और थोड़ी देर ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट ढक कर रखने के बाद टमाटर स्वेट होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसमें डाल दूंगी हमारा सारा पाउडर मसाला, मिक्स करूंगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ दूंगी, 1 से 2 मिनट, ताकि टमाटर पूरे सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसको 1 मिनट तक ढक के रखा था। टमाटर अच्छे से मैश होना स्टार्ट हो गए हैं, हल्का हल्का सा है, इतने चलेंगे हमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। इसका बॉईल आएगा, इतनी देर मैं इसको पकाऊंगी अगेन ढककर। इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया अच्छा सा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू और अंडे, मिक्स कर लेंगे इसको। थोड़ा सा हरी धनिया अभी डालेंगे, हरी प्याज, अगेन इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो आलूओं के साथ। और इसको 2 मिनट तक हम ढक देंगे। ये हमारी भुजिया रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालें, नहीं डालना है नहीं डालें, इसलिए मैंने बताया नहीं था इंग्रेडिएंट्स में, डालकर इसको मिक्स करके दम पे रख देंगे और फिर डिश आउट करेंगे। ये हमारी आलू अंडे की भुजिया रेडी हो गई है। ये आप घर की चपातियों के साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़े का लगेगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।